हेलो फ्रेंड्स, मैं सर एजे। आज हम देखने वाला हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज लोड बैलेंस। ओके, स्पेशलाइज्ड क्लाउड मैकेनिज्म के अंदर हमने लास्ट टाइम देखे थे, देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड क्लाउड मैकेनिज्म। ओके, तो लिस्ट के अंदर 10 डिफरेंट मैकेनिज्म थे। तो फर्स्ट मैकेनिज्म हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ऑटोमेटेड स्केलिंग लिस्ट ना। ओके, तो उसका जो आई बटन है आपको आप ऊपर मिल जाएगा। फिर सेकेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे लोड बैलेंसर। ओके, देन फर्स्ट हम पूरा लिस्ट देखते हैं, देन आगे पढ़ते हैं। देन थर्ड, दैट इज एसएलए मॉनिटर। फोर्थ, पे पर यूज मॉनिटर, ऑडिट मॉनिटर, फेल ओवर सिस्टम, देन हाइपरवाइजर, देन रिसोर्स क्लस्टर्स, मल्टी डिवाइस ब्लॉकर एंड स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस। ओके, दे 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज मैकेनिज्म है हम देखने वाले। सो बढ़ते सेकेंड वाले जो मैकेनिज्म था हमारा, लोड बैलेंसर। इन अ लोड बैलेंसर, बेसिकली लोड बैलेंसर क्या होता है? ओके, द कॉमन अप्रोच टू हॉरिजॉन्टली स्केलिंग इज अ बैलेंस एज अ वर्कलोड अक्रॉस द टू और मोर आईटी रिसोर्सेज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड द कैपेबिलिटी बियॉन्ड व्हाट द सिंगल आईटी रिसोर्सेज कैन प्रोवाइड। ओके, इन अ सिंपल हिंदी में इसको देखते हैं कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं यूजिंग इन सिंगल आईटी रिसोर्सेज। ओके, सिंगल आईटी रिसोर्सेज इन द सेंस सिंगल कंपोनेंट, सिंगल सर्वर, सिंगल हार्ड डिस्क। ओके, ये सभी एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर हम जो रिसोर्सेज यूज करके कोई भी एक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अलावा ये हम देख सकते हैं कि इफ हम यूज करेंगे मल्टीपल्स जो भी रिसोर्सेज है हम यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो परफॉर्मेंस होगा, आपका जो रिजल्ट होगा, वो अच्छे से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, सो दैट इज एन लोड बैलेंसर। देखते हैं लोड बैलेंसर क्या है। लोड बैलेंसर इज एन मैकेनिज्म दैट इज रन टाइम एजेंट विथ एन लॉजिक फंडामेंटल बेस्ड ऑन दिस प्रीमाइसेस, जो आपको मैंने बताया कि जैसे कि एक सिंगल रिसोर्सेज के ऊपर हम जो यूटिलाइज करने वाले है, जो परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है, उसके अलावा आप इफ आप मल्टीपल रिसोर्सेस यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको और अच्छे से रिजल्ट मिलने का या परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। बियॉन्ड दैट द सिंपल डिवीजन ऑफ लेबल अल्गोरिदम, के जैसे कौन सा अल्गोरिदम है हम नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखेंगे। तो उस अल्गोरिदम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, द लोड बैलेंसर कैन बी परफॉर्म अ रेंज ऑफ स्पेशलाइज रन टाइम वर्कलोड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन दैट इंक्लूड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देन वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कलोड प्रायोरिटीज एंड द कंटेंट अवेयरनेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रायोरिटीज हम इसके अंदर देखने वाले कि किसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, कि जो प्रायोरिटीज आपको असाइन करनी है वो प्रायोरिटीज असाइन होने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस क्या होगा, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन द वर्कलोड आर इशूड टू आईटी रिसोर्सेस विद हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। जो प्रोसेसिंग होगी उसके या जो वर्कलोड होगा उसके अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड करने वाले हैं। कि अकॉर्डिंग जो हार्ड डिस्क, क्या हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या है, उसको हम कितना लोड वर्कलोड असाइन कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू आईटी रिसोर्सेज हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, या वर्कलोड प्रायोरिटीज हम इसको बोल सकते हैं। इन वर्कलोड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टू वर्क हम क्या करेंगे, इसको शेड्यूल करेंगे, क्यू फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या जिस अकॉर्डिंगली आपको डिस्कार्ड करना होगा तो आप यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हैं। या अकॉर्डिंग टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आपने जो भी प्रायोरिटीज असाइन की होगी, प्रायोरिटी लेवल्स असाइन की होगी, और प्रायोरिटी लेवल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन नेक्स्ट, दैट इज अ कंटेंट अवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू रिसोर्स कंटेंट रिक्वेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ डिफरेंट आईटी रिसोर्सेज एज बाय द रिक्वेस्ट कंटेंट। की जो रिक्वेस्ट किया होगा, कि जैसे कि एक स्पेसिफिक यूजर होगा उसने कितने डेटा अलोकेटेड के लिए रिक्वेस्ट किए, कि जैसे कि उसको 15 GB या 20 GB हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है, या जो स्पेसिफिकली उसने रिसोर्स मांगा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम,
डायग्राम इन द सेंस इसके अंदर क्या है कि एक स्पेसिफिकली फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लाउड सर्विस कंज्यूमर इन द सेंस जो ब्लू लेफ्ट साइड में दिया, देन लोड बैलेंसर वर्टिकल एक लाइन दी गई है, देन क्लाउड सर्विस ए, क्लाउड सर्विस ए उसका रेप्लिका, ओके एक ओरिजिनल है एक रेप्लिका कॉपीज है, देन नेक्स्ट रिडंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाउड सर्विस ए, कि जो भी आप सर्विस एक्सेस करो कि जैसे कि आप नॉर्मल लाइंस या एरोज देख सकते हो कि क्लाउड सर्विस कंज्यूमर का जो एरोज है जैसे 4 एरोज हमने पास किए, इक्वली जो रिसोर्सेस है कि जो क्लाउड सर्विस ए के फर्स्ट वाला है एंड देन अगेन उसका जो कॉपीज है कि दोनों के ऊपर हमने क्या किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, और लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंट एज अ सर्विस एजेंट ट्रांसपेरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकमिंग वर्कलोड रिक्वेस्ट मैसेज अक्रॉस टू रिडंडेंट क्लाउड सर्विस इम्प्लीमेंटेशन विच टर्न अ मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस फॉर क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, कि जो एक सिंगल जो सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा वो क्या करेगा कितने उसके भी एक स्पेसिफिक लिमिट होगी जहां तक वो क्या कर सकता है सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है, बट उस लिमिट के बियॉन्ड आपको जाके सर्विस कोई प्रोवाइड करने, तो इसके लिए आप क्या करोगे दो रेप्लिकास करोगे या नंबर ऑफ आपके सर्विस के अकॉर्डिंगली आप मल्टीपल्स यहाँ पे रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे इजिली एंड फास्ट वे में परफॉर्मेंस प्रोवाइड करोगे। इन द सेंस सिंगल क्लाउड सर्विस है तो एट अ टाइम 4 रिक्वेस्ट को हैंडल करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट इफ आप उसका रेप्लिकास हो गए तो 2 जो भी है कि नंबर ऑफ जो रिक्वेस्ट होगी इजीली हम क्या कर सकते हैं हैंडल कर सकते हैं। ओके लोड बैलेंसर इज प्रोग्राम और द कॉन्फिगर विथ अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस रूल्स पैरामीटर्स एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आईटी रिसोर्सेस यूसेज, कि नंबर्स ऑफ चीजेस इसके अंदर हम कंसिडर करने वाले हैं कंसिडर कर सकते हैं कि जस्ट लाइक अवॉइडेंस ऑफ ओवरलोड की स्पेसिफिकली कोई सर्विस होगी या जैसे लाइक क्लाउड हम यूज करें वो ओवरलोड ना हो कि इसके लिए हम देख सकते हैं, या आईटी रिसोर्सेस कितना यूज हुआ है जैसे लाइक आपने डेटा सेंटर्स का इफ डायग्राम वगैरह देखा होगा तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जैसे कि नंबर्स ऑफ हार्ड डिस्क वहाँ पे होते कि जैसे कि हर एक पर्सन को हम इंडिविजुअल हार्ड डिस्क तो असाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं इक्वली असाइन करते हैं हर एक जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स है एक सेम हार्ड डिस्क मल्टीपल्स लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी एक आना एग्जांपल ऑफ लोड बैलेंसिंग ही है। ओके देन नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि लोड बैलेंसर मैकेनिज्म कैन एग्जिस्ट एंड मल्टीपल्स लेवल्स, कि कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं, सो उसके लिए मैकेनिज्म एग्जिस्ट एंड फर्स्ट मल्टीलेयर नेटवर्क स्विच, सेकेंड दैट इज द डेडिकेट हार्डवेयर अप्लायंसेस, थर्ड द डेडिकेट सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम एंड फोर्थ द सर्विस एजेंट। ओके 4 डिफरेंट मैकेनिज्म हम देख सकते हैं कि जो आपके जो लोड बैलेंसर कंसेप्ट है या लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म है उसको यूटिलाइज करते हैं या यूज करते हैं। ओके देन लास्ट स्टेटमेंट इसके अंदर हम देख सकते हैं द लोड बैलेंसेस इज टिपिकली लोकेटेड ऑन कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द आईटी रिसोर्स जनरेटेड द वर्कलोड एंड द आईटी रिसोर्सेज परफॉर्मिंग वर्कलोड प्रोसेसिंग, कि जहां पे आपका वर्कलोड कैलकुलेट होता है जनरेट होता है एंड जहां पे आपका वर्कलोड एग्जीक्यूट होता है प्रोसेस होता है, कि ये दोनों के सिनारियों के बीच में आपका लोड बैलेंसर यूटिलाइज होता है या लोड बैलेंसिंग यूज होता है। दिस मैकेनिज्म कैन बी डिजाइन एज अ ट्रांसपेरेंट एजेंट दैट रिमेन द हिडन फ्रॉम क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, कि ये क्या है कि जो क्लाउड कंज्यूमर है कि क्लाउड कंज्यूमर जैसे कि कोई भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कर सकता है कितने भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कर सकता है उसको हैंडल करने के लिए हिडन फ्रॉम क्लाउड कंज्यूमर, बट क्लाउड प्रोवाइडर को ये सभी चीजें पता होगी या क्लाउड प्रोवाइडर उसको यूज कर सकता है फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस, हमें परफॉर्मेंस अच्छे से प्रोवाइड करना है हमारे यूजर को या कंज्यूमर को, तो उस सिनारियों के लिए हमें लोड बैलेंसर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट अभी लोड बैलेंसर कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, अभी हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सेम मैकेनिज्म का डायग्राम था वैसे ही
सिमिलर टाइप में थोड़ा सा डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे लाइक हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि जो डिस्क्रिप्शन में हमने बोला था कि एक डायग्राम के बारे में डिस्कस होगा, सो डायग्राम यहाँ पे आपके सामने मॉड्यूल, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लाउड सर्विस आर ऑटोमेटिकली क्रिएट और मीट इंक्रीजिंग यूसेज रिक्वेस्ट एंड लोड बैलेंसिंग यूज द राउंड रोबिन शेड्यूल टू इंश्योर द ट्रैफिक दैट डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी अमंग द एक्टिव सर्विस क्लाउड। ओके, जस्ट लाइक फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम के अंदर स्टेप भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे। ओके, तो फर्स्ट क्या आपके ब्लू में दिखाई द क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, देन क्लाउड सर्विस कंज्यूमर क्या करे रिक्वेस्ट टू एक्सेस द क्लाउड, देन रिक्वेस्ट आने के बाद फर्स्ट वो कहाँ पे जा रहे हैं आपके लोड बैलेंसर के पास, देन लोड बैलेंसर क्या करे कि अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट के हर एक रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करे, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करे। सो जैसे कि येलो डॉट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ईच एंड एवरी येलो सर्कल के या एवरी क्लाउड सर्विस आपको यहाँ पे दिख रहे, सो उसके बाद कि इफ इसके बाद कोई न्यू रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि पार्ट ऑफ नंबर कैटलॉग सर्विस इंस्टेंस के हर एक इंस्टेंस का हम क्या करेंगे डिफरेंट कैटलॉग्स क्या हर एक कैटलॉग्स में क्या करेंगे उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे कि स्पेसिफिकली हर एक रिक्वेस्ट के लिए हमने कौन सा रेप्लिकाज क्रिएट किया है, रेप्लिकाज ऑफ क्लाउड सर्विस, रेप्लिका इज नथिंग बट वर्चुअल सर्वर मशीन। ओके, इन द सेंस जो नॉर्मल आपका क्लाउड होगा या सर्विस होगा उसका रेप्लिका इन द सेंस एक वर्चुअल मशीन हम इसके अंदर लेंगे या रेडीमेड एक एनवायरमेंट भी हम ले सकते हैं, जैसे कि टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं फॉर एन वर्चुअल मशीन और फॉर एन एनवायरमेंट पर्पस या इंस्टेंस पर्पस, क्विक इंस्टेंस पर्पस। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे जो भी लोड बैलेंसर है यहाँ पे यूज होने वाला है, जैसे कि हैंडल करने के लिए इन बिटवीन क्लाउड कंज्यूमर एंड क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे कि कोई भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हम क्लाउड कंज्यूमर से प्रोवाइड करें, क्लाउड प्रोवाइडर क्या करे उसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे लोड बैलेंसर यूज करना है। ओके, सो कोई भी डाउट होगा इस डायग्राम के अंदर, इस लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट के अंदर, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी सो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।